आम सहित सीधासल जो रही प्रबोधिनी अच्छा और अनेक एसिड पीड़िता राज्य तथा राज्य बाहर अनेक एसिड पीड़िता एकत्रित होती प्रबोधिनी को साहस देवाई प्रबोधिनी रही खुशी मुहूर्त में सामिल होगापी अनेक एसिड पीड़िता रही आम सहित सहित आलोचना करवा सेमती आसी राज्य बाहर अनेक आसी सीधासल राज्य बाहर जो मैंने आर प्रतिक्रिया ने क्या बोलना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और प्रमोदिनी के साथ आप आज खड़े हुए हैं क्या बोलना चाहेंगे मैं हरियाणा से आई हूँ और मैं छा फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ नोएडा में हेड ऑफिस में और प्रमोदिनी से मैं 2016 से मैं जानती हूँ और हम साथ में काम करते हैं कि फाउंडेशन में और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज वो एक जीवन का एक नए पड़ाव पे कदम रख रही है तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक और न्यू लाइफ को जीने जा रही है वो क्या बोलना चाहेंगे मैम जैसे कि आप भी एक सर्वाइवर हैं और बहुत सारे सर्वाइवर अब धीरे धीरे मतलब जैसे भी जितने भी सर्वाइवर हैं लोगों के साथ आप जुड़ के काम करते हैं तो समाज को क्या मैसेज देना क्या चाहेंगे जैसे कि कोई लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो गया तो शादी नहीं हो सकती बहुत लोगों की बात मतलब उनको सुनने को आता है तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है और मुझे लगता है कि सरोज जैसे लड़के आज सामने आए हैं एक प्रमोदिनी को सपोर्ट करने के लिए एक सर्वाइवर के साथ उसका उस उनके हम सफ़र बनने के लिए तो ऐसे ही मैं ये नहीं कहूँगी भाई सबकी दिल की इच्छा होती है मतलब कोई भी किसी को पसंद कर सकता है बट सोसाइटी में जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सर्वाइवर्स का सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम क्राइम को इनवाइट करते हैं अपने तक कि जब हम हेल्प नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ के जो क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं या सोसाइटी में जहां अटैक हुआ है रोड पे चलते हुए लोग भी वहां पे सपोर्ट करेंगे तो आपके घर में भी बहन बेटियां हैं तो वो उसकी शिकार आगे जाके नहीं होंगी आपको एक गलती होती है तो उस पे आवाज़ उठाइए दूसरा कुछ होने के लिए इंतज़ार मत करिए निहाती भाव में राज्य तथा राज्य बाहर अनेक एसिड अटैक सर्वाइवर जो महिला मैंने रही झील मैंने रही एकत्रित होती आम सीधासल आहरी किसी सर्वाइवर जो मैंने अच्छा सहित आलोचना करवा मैम आप कहाँ से आए हैं आपका नाम क्या है और जो जितने भी सर्वाइवर हैं आज इकट्ठे हुए हैं और एक खुशी का जो माहौल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्या बोलना चाहेंगे मेरा नाम अंशु राजपूत है और हम लखनऊ से आए हैं और आज हम सभी लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी प्यारी सी दोस्त प्रमोदिनी की आज शादी होने जा रही है और इसलिए मतलब हम लोग खुश हैं कि फाइनली रानी दीदी शादी कर रही हैं मैडम जो सर्वाइवर हैं जितने भी किस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे सामने आ रहे हैं अब मूवी भी हम देख चुके हैं पहले कि अब धीरे धीरे लोगों को मैसेज भी जा रहा है कि जो सर्वाइवर है उनका भी एक जीने का एक मतलब समाज में उनका हक है तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में लेकिन अभी कुछ जगह में भी हम देखते हैं गाँव की तरफ अगर हम आ जाएँ तो वहाँ पर अभी भी एसिड अटैक को जो मतलब एक अलग ही नज़रिया पर देखते हैं क्या बोलना चाहेंगे एसिड अटैक जो होता है वो हमारी सोच से होता है कि अगर किसी ने किसी का ईगो हट किया तो वो उसको मतलब कि इस तरीके से क्राइम करने की कोशिश करता है कि अगर वो हमारी नहीं तो वो किसी और की भी नहीं होगा लेकिन ये गलत बात है कि मतलब कि तुम्हारा 15 मिनट का गुस्सा सामने वाले की पूरी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो और मतलब कि ऐसा है कि सर्वाइवर स्ट्रगल कर रही है लेकिन मतलब जहाँ वो पहुँचना चाहती है वहाँ पहुँच रही है क्योंकि आज सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए हैं और वो एक सर्वाइवर को आगे बढ़ के सपोर्ट कर रही है अभी फ़िलहाल में ही एक मूवी आई थी छपाक जिसमें दर्शाया गया था कि किस तरीके से एक लड़की पे क्राइम होता है फिर कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती है सोसाइटी कैसा रिएक्शन देती है लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी में पूरी तरीके से चेंज नहीं आया है और हम लोगों की कोशिश जो है जारी है और वो जारी रहेगी जब तक हम पूरी तरीके से सोसाइटी में चेंज नहीं ले आएंगे और सोसाइटी को बदलना पड़ेगा और एक सर्वाइवर के ये जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा ये तो गया क्राइम की बात अगर हम देखेंगे लेकिन बहुत सारे जो सरोज की तरफ अगर देखेंगे सरोज जैसे लड़के को हम देखेंगे वो प्रमोदिनी हो या आप जैसे बहुत सारे सर्वाइवर को अपना रहे हैं मतलब प्यार भी कर रहे हैं उन लड़कों को आप क्या मैसेज देंगे और बाकी जो लड़के हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर को कुछ अलग ही नज़रिया पे देखते हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मतलब कि मेरे सामने बहुत सारी सर्वाइवर्स की शादी हुई है अभी 27 नवंबर को मेरी एक दोस्त की शादी हुई थी तो मतलब कि उनका दिल कितना खूबसूरत है कि वो चेहरे की मतलब कि सुंदरता को ना देखते हुए वो दिल की खूबसूरती से अपनाते हैं उनको और प्यार करते हैं और लाइफ में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा तो यही कहना है कि हर किसी लड़के
को सामने आना चाहिए और सरोज जैसा लड़का बनना चाहिए और हर एक सर्वाइवर का हाथ थामना चाहिए उनकी आगे जिंदगी बढ़ाने के लिए। भावे अनेक जो रही एसिड अटैक सर्वाइवर जो लेडी रही समस्ते एकत्रित तो एवं राज्य तथा राज्य बाहर अनेक सर्वाइवर आसी एवं जो रही प्रमोदिनी को जो रही आशीर्वाद एवं निजर भलपाइवा देर जो एनजीओ रही जो एनजीओ रे प्रमोदिनी दीर्घ दिन धरिकी कम कर सर्वाइवर आसी सीधासल आहरी किसी सर्वाइवर जो मैंने अच्छा सहित आलोचना करवा मैडम कौन कहे आज प्रमोदिनी गोटे बड़ दिन प्रमोदिनी को कौन शुभकामना देवे एवं आपण मत जन बहित तो कौन कहे ये सब जो संघर्ष जारी रही प्रमोदिनी कथा कह आपण कथा कहते दिन धरिकी संघर्ष जारी रही आपण को जो मैंने आपण ही विषय कौन कहे मु तो बहुत खुशी अच्छी आज जे कि से मैंने एत दुखरे थी भी आमको हसला दे लगे आम भी बहुत स्ट्रंग भी हो पारिछु जेकि आम मानक जे हाथ धरी से भी तो जड़े मनीष बहुत बहुत धन्यवाद देवी जेकि आम मानक अपने स्नेह प्रेम दे कि भल पाई बाहर होती बहुत खुशी रानी दीदी म्यारेज को आसिक बहुत खुशी लगुच मत तो ये खुशी लगे मु किसी भी कही पार नहीं खुशी अच्छे बहुत खुशी अच्छे मुझे सर्वाइवर जो रही समस्ते ये एकत्रित तो जो रही निजर बंधु जो रही प्रमोदिनी तथा रानी को से माने निजर आशीर्वाद दौरान निजर भलपाइवा दौरान समस्त गोटे कथा कही सरोज नुहे सरोज भली अनेक व्यक्ति जो मैंने रही एसिड पीड़िता मानक निजर करूँ यह धीरे धीरे लग जो लोक मैंने रही जो पुरुष मैंने रही धीरे धीरे आहरी मानने लोकों पाखे पहुँचवा दरकार सीधासल चित्र देखिपे बहार अनेक 2009 जिते एसिड अटैक होता से ही समय आज पर्यंत प्रमोदिनी जो संघर्ष करते अनेक एसिड पीड़िता से कम कर विभिन्न एनजीओ रही जो एसिड पीड़िता मैंने रही सब सामना को आसी सबुठ बड़ कथा है प्रमोदिनी जिते दुई आखि नष्ट हो जाता दुई जिते आखि नष्ट हो जाता से ही समय गोटे आखिर ऑपरेशन थिला एवं विवाह पूर्व आउ गोटे आखिर ऑपरेशन थिला किंतु प्रमोदिनी से आउ गोटे आखिर ऑपरेशन करना कारण प्रमोदिनी चाहूँ जो आउ 10 जन सर्वाइवर रही चिकित्सा अधिक जरूरी से निजर आखिर चिकित्सा करनाती भाव में आउ थे प्रमोदिनी पाखक जा प्रमोदिनी सहित आलोचना करवा जो बहार रही कारण आज तीन सबुठ बड़ दिन टे जो 2009 एसिड अटैक होता से समय केबे भी भावि नथिले कि तांको जीवन रे भी एभले एक खुशीर मुहूर्त आसीबो सीधासळ कमे प्रमोदिनी सहित मध्ये आलोचना करिबा प्रमोदिनी 2009 एतिके लंबार यात्रा याकु नेकी कोन कहिबे एते दिन धरि कि जो संघर्ष जारी रहितला एवं सबुठार बड़ कथा हैला आपण किछि समय पूर्वरु आम सहित जेतले कथा होतले कहतले मु मोर निजर आ गोटे आखिर ऑपरेशन को डिले कर दउछि विलंब करछि एथि पई मु आउ 10 जणकर चिकित्सा सेई पैसा रे करिया पई चाहूछि जो माने एसिड अटैक अछन्ति ऑब्वियसली कारण मु गोटे आखिर देखी पार्चे से बड़ गिफ्ट कारण 9 वर्ष का ब्लाइंड थी आम टीम बहुत सारा सर्वाइवर अच्छा कारण से कम्प्लीटली ब्लाइंड अच्छा तो मुझे चाहे कि से गोटे आखिर किसी क्षण देखी पारंतु मो ट्रिटमेंट गोटे आखिर आउपर हो पार प्रथम मुझे प्रायोरीटी दिए आम टीम भी सही टाइप रि से प्रायोरीटी रोज ट्रिटमेंट हो सारा से देखी सारापर सी तरह दुनिया देखी देन मुझे विषय चेस्टा करी निहाती भाव में सरोज प्रमोदिनी केवल जड़े एसिड अटैक सर्वाइवर नुहंती ता सहित जड़े दरदी मनीष निजर आउ गोटे आखि को विवाह पूर्व से ये ऑपरेशन करना कारण आउर यही पैसा जो आ गोटे आखिर ऑपरेशन होता से ही पैसा से आउ 10 जन मान आउ 10 जन सर्वाइवर जो रही से चिकित्सा करेंगे आम सहित प्रमोदिनी घर जो प्रमोदिनी परिवार रही परिवार सदस्य मैंने भौणी रही भौणी सहित आलोचना करवा मैडम कौन कहे आज प्रमोदिनी बाहागर होची आउ केते खुशी अछंती बहुत खुशी अछे जेहेतु आम दीदी म्यारेज होउची सो आम बहुत खुशी अछु लाइफ से बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ी सो बहुत बाधा विघ्न सामना करपर भी आज लास्ट बहुत सक्सेस भी पाइले आने से जीवन बहुत खुशी अच्छा भाई को लेकर बहुत भल अच्छा लास्ट बहुत भल है
ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ତ ଜଣେ ଭଲ, ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନିଆରା କଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ନିଆରା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ଆଉ କେତେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଦି ସହିଛନ୍ତି, ଜୀବନୀ ବହୁତ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ହେବେ, ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଦିଦି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଜିକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ବହୁତ ନାଁ ବି କମେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ନାରୀମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ କେତେ ନ କରିବ, ବହୁତ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିଗଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରମୋଦିନୀର କ'ଣ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଶରୀର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ତା'ର ତ ଅନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ'ଣ କହିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଙ୍କ ଝିଅ, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଆଜି ତା ବାହାଘରରେ, ଆଉ ବହୁତ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେଇଟା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା।